केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भी ये बताना चाहते हैं कि मोटी मोटी तनख्वाहें जो तुमने 2021 में जब कोविड महामारी अपने चरम पर थी उस वक्त तुमने अपने मंत्रियों नेताओं विधायकों का वेतन 66% बढ़ा दिया। दिल्ली तो बिल्कुल दारू में डबो दिए केजरीवाल ने। दिल्ली का आम इंसान, दिल्ली का आम निर्मुक्त भारतीय आदमी 2 जून की रोटी उसको मिले इसके लिए 12-12 घंटे 14-14 घंटे इन्हीं की पार्टी के तमाम नेताओं की फैक्ट्री में खटकर वो 2 जून की रोटी कमाने के लिए तरसते। हमारी बहनें आंगनवाड़ियों में वो सब काम करने के लिए मजबूर की जाती है जो आंगनवाड़ी कर्मियों के काम नहीं है। चुनाव का प्रचार तुम्हारी पार्टी के लोग किससे करवाते हैं? हमसे करवाते हैं। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी उसके विधायकों उसके मंत्रियों नाक में दम तो किया ही था, लेकिन जो ICDS और WPD विभाग के आला अफसर जो अरविंद केजरीवाल की गोदी में बैठ के पापा कर रहे हैं, उन ICDS के अधिकारियों को भी बताएंगे और साथ में आ जाओ। अभी तो ऑफिस का घेराव कर रहे, तुम्हारा गेट काम कर रहे हैं। कल से हमारी लड़ाई लता नेगी, नवनेंद्र कुमार सिंह, रश्मि सिंह इनके घरों तक पहुंचेगी। ये हमारी बहन सादरा प्रजब से गौतम बिहार के और सादरा प्रजब चौहान बागर के प्रोजेक्ट से है। अपनी अपनी ये रैली निकली हुई है जो अपनी मांगों के लिए केजरीवाल साहब के खिलाफ। ये हमारी बहन जब आ रही थी छोटे से बच्चे को लेके तो बस वाले ने इनको कर्मा मार्केट की बस थी बस नंबर 214 और उन्होंने अचानक गेट बंद कर लिया। गेट बंद करने के साथ इनका बच्चा जमीन पे गिरा और इनके भी चोट लगी, लेकिन उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं करी। ये उसके बावजूद भी नहीं रोक रहे थे वो। मतलब ऐसे लोगों के साथ सख्त एक्शन लिया जाए। हम चाहते हैं कि हमारी रैली संपूर्ण हो, पूरी हो। हमारे खिलाफ कोई एक्शन ऐसे छोटे मोटे नहीं लिया। कई बार बसें बंद कर दी जाती है। हम लोग आश्वासन दिया था कि हम लोग अब ऐसा नहीं करेंगे और उसके बाद ये बात हो गई, बंद कर देते हैं। बोला ये बच्चे को किसी को कुछ हो जाए तो इनको क्या होगा, इनका क्या जाएगा? एक माँ एक बच्चे को छठे घंटे उनका क्या मतलब? वही तो, क्या आप रोज आते हो? ये डेली आते हैं, हम डेली आ रहे हैं। आज 24वां दिन है हमारे लोगों के लिए और कोई भी किसी को देने की जरूरत नहीं है उनको। हम भूखे प्यासे जैसे भी यहाँ पड़े रहते हैं धूप में, वो आराम से कोठियों में बैठ के देख रहे हैं हमारी न्यूज को, उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं। उनको समझ नहीं आती बस नंबर 214 के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। प्लीज हमारा निवेदन है, और हम लोग 214 के खिलाफ तब भी बस नहीं चलाते, बस नहीं चलाते, कम से टाइम से बस नहीं चलाते। क्या देते हैं अभी टाइम नहीं हुआ, बहुत देर तक बस नहीं चलाते। DTC की कमला मार्केट की बस नंबर 214 ऐसे, और अभी दुर्घटना घट जाती तो कुछ कोई देखने वाला नहीं था वहाँ पे। और बच्चे को दिखा दो, छोटा बच्चा अभी 1.5 साल का बच्चा है। क्या हुआ था? बस वाले कहने लगे, कह रहे पीछे से चढ़ो। अब मैंने जैसे ही उनका बच्चा साथ में आगे से चढ़ रहे थे, पीछे चढ़ रहे थे, ट्रैफिक हो रहा है, तो उन्होंने आगे चढ़ने नहीं दिया। एक पैर अंदर एक पैर बाहर रह गया, मैं गेट बंद कर दिया। समाधान हो या तत्काल ऑर्डर, ये तत्काल ऑर्डर वापस होना चाहिए क्योंकि इसके से कम और जो ये धमकी है कौन सी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी? डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होगा? टर्मिनेशन? एक्सप्लेन कीजिए ना, डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब क्या? हायर अथॉरिटी क्या डिसाइड करेगी? हाँ जैसे क्या हो तो आप भी सिस्टम के पार्ट हैं, आप इस ऑर्डर के भागी हैं। बिना आपकी जानकारी के तो ऑर्डर नहीं आया होगा, है ना? तो ये ऑर्डर वापस। और एक एक बहन के पास अभी आधे घंटे के भीतर जाना चाहिए कि ये ऑर्डर हम लोगों ने वापस किया, विड्रॉ किया।
वरना देखिए ये डिस्कस करके आपको बता दें, आपने दिन को कह दिया, आप क्यों इंटरवीन कर रहे हैं मैम? मैम बोलिए, साथ बोलेंगे। नहीं सर, अभी तो आपने कहा था ये आपके डिपार्टमेंट का मसला है, जहाँ हमारे डिपार्टमेंट का मसला होता है हमारे सामने बात करते हैं। साहब ने अलग से कोशिश करके मैं चलिए आपके एफर्ट के लिए मैं आपको इसलिए बता आपके, लेकिन आपके लिए भी तो कंसर्न था ना, बता दिया आप, ये आपको बता देंगे तो आप बात कर सकते हैं। पहली बात ये ऑर्डर डिपार्टमेंट इसके लिए माफी मांगे कि गलती से ये ऑर्डर रिलीज हो गया था हमारे ऑर्डर। देखिए मुख्य तौर पे तो हमारा प्लान ये था कि जो हमारी बहनों को कल 23 फरवरी को धमकी भरे पत्र जारी किए गए डिपार्टमेंट के तरफ से, जिस पर जॉइंट डायरेक्टर नवलेंद्र कुमार सिंह जी के दस्तखत थे और वो ये कह रहे थे कि अगर आप काम पर वापस नहीं लौटोगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमारा तो प्लान यही था कि हम यहाँ से रैली निकाल के वहाँ जाएँ और उनसे पूछें कि इस एक्शन का क्या मतलब है, लेकिन हमारी बहनों की संख्या, हमारी बहनों की तादाद, जो हमारी एकता है, यूनिटी है, उसको देखते हुए डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी बौखला गया, डरा हुआ था डिपार्टमेंट। तो जिन जॉइंट डायरेक्टर साहब ने वो लेटर जारी किया था, जिनके दस्तखत थे, लेटर तो डिपार्टमेंट जारी कर रहा था, वो दौड़े दौड़े यहीं पर आए। उसके बाद हमारी यहीं पर उनसे सबके सामने ही बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो बाकी डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं उनसे बात करेंगे। हमने उन्हें एक घंटे का आज का समय दिया है और अगर आज के डेट में ही लेटर वापस नहीं होता है तो हम कल से सिविल लाइंस पर, तो जो हमारे हड़ताल की जगह है वहाँ तो हम इकट्ठा होंगे ही, लेकिन हमारा जो प्रदर्शन है वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है कश्मीरी गेट पर, वहाँ पर भी चालू होगा। वहाँ गेट जाम होगा, दिक्कत होगी उनको। तो शराफत का तकाजा ये है कि वो इस गैरकानूनी धमकी पत्र को वापस लें, हमारी बहनों को जो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं उसको वो वापस लें। हमारी इतनी ताकत है कि हम अगर अपनी ताकत, हमारी डेली टीमें जो हैं, आपको क्या लगता है हमारी पूरी ताकत थोड़ी आती है यहाँ पे? हमारी कई टीमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ डेली जाती हैं, वो हमारा जो कैंपेन चल रहा है नाक में दम करो अभियान, वो भी हमारा चलता है। 5-5, 6-6 टीमें जाती हैं 200-200 औरतों की। हमारी टीमें जो हैं, अगर DTC वाले हमें नहीं बिठाते तो हमारी टीमें जाके उनके डिपो भी जाम कराती हैं। तो हमारे पास अपनी बहनों की ताकत है, हमारा कोई धरना डिवाइड नहीं हो रहा है। मेरे को ये लग रहा है कि अब इनके लिए परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें इनको दो दो जगह डील करना पड़ेगा। यहाँ तो हम आराम से बैठी थी, अब आप चाहते हो कि आप डिपार्टमेंट का काम भी जो है रुकवाओ, गेट जाम करवाओ, तो फालतू में इनको परेशानी होगी, हमारी तो कोई ताकत में कमी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप धमकी पत्र दोगे, वैसे तो आज जॉइंट डायरेक्टर के जो उनका पूरा भाव भंगिमा था वो तो काफ़ी घबराए हुए थे, आप लोग भी वहाँ पर थे, आपने भी बात सुनी होगी। तो मुझे तो यकीन है कि वो इस तरीके की घटिया हरकत फिर नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी कोई घटिया हरकत उन्होंने की, हमारी एक भी बहन को हाथ लगाया, हमारी एक भी बहन के खिलाफ कोई एक्शन लिया, तो ये हड़ताल ख़त्म तो होगी नहीं, ये बढ़ेगी। लेकिन हमारा ये कहना है कि इस धमकी पत्र को भी वापस लिया जाए, गैर कानूनी धमकी पत्र, असंवैधानिक है। हमारा आंदोलन जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। आज भी हमने एक कार्यालय का घेराव करना था हेडक्वार्टर का हमें, लेकिन पुलिस वालों ने नहीं करने दिया। जो हमारे JD सर हैं नवलेंद्र कुमार सिंह, उन्हें यहीं पर ही बुला लिया। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है कि वो खुद इतनी दूर चल के हमसे बात करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। वो कह रहे हैं कि हम जितना जल्दी होगा बता देंगे, हमने अभी 1.5 घंटे का टाइम दिया हुआ है, क्योंकि जो उन्होंने कल एक ऑर्डर जारी किया है कि अगर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर आंगनवाड़ी में नहीं आती है तो हम उनके खिलाफ पनिशेबल ऑफेंस जो भी होगा वो कार्रवाई उनके साथ की जाएगी। तो उसी के खिलाफ जब एक बात बताइए, जब समझौता हुआ ही नहीं, किसको बुलाया, किसके साथ आपने समझौता किया? हमारे साथ तो नहीं किया, सारी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यहाँ बैठी हैं, तो समझौता किसके साथ किया? फिर वो किस ब्याह पर बोल सकते हैं कि हम आंगनवाड़ी खोले? हम तो नहीं खोलते आंगनवाड़ी। जब तक जो हमारी यूनियन की अध्यक्ष शिवानी जी है उनके साथ कोई समझौता नहीं होगा, कोई लिखित पेपर साइन नहीं होगा उनके और हमारे बीच में, हम आंगनवाड़ी नहीं खोलेंगे और जो हमारी मांगे उनको लेकर धरने पर बैठे रहेंगे जब तक